बायोलॉजी क्लासेस क्लास. इन अवर प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस किंगडम मोनेरा. हम पढ़ चुके थे अपनी प्रीवियस क्लास में कि जो आपके पांच तरीके के किंगडम्स थे जो आपके आर एच विटेकर ने दिए थे, उनमें से दूसरा है प्रोटिस्टा. पहला था मोनेरा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा है प्रोटिस्टा. तीसरा है प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. आज है प्रोटिस्टा का टर्न. देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा मतलब होता है, प्रोटिस्ट मतलब ही होता है क्लास प्राइमरी. प्राइमरी मतलब पहले आए हुए. इंक्लूड्स डाइवर्स काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड प्राइमरली एक्वेटिक यूकैरियोट्स. मतलब जो प्रोटिस्टा में आने वाले जीव जंतु हैं उनमें बहुत सारी विविधताएं होती हैं. वो यूनिसेलुलर्स होते हैं, मतलब वो एक सेल से बने होते हैं. एंड प्राइमरली एक्वेटिक यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोट्स मतलब होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो. मतलब इनमें न्यूक्लियस पूरा वेल डिफाइंड प्रेजेंट होता है. उनमें जेनेटिक मटेरियल भी वेल डिफाइंड होंगे. और एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर, मतलब क्या होते हैं, पानी में रहने वाले. दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इनमें बहुत तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे कि पहला पढ़ते हैं, दे कंटेन टिपिकल यूकैरियोट्स सेल ऑर्गेनेल सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज एंड प्लास्टिड्स ए फोटोसिंथेटिक. देखिए, अगर ये फोटोसिंथेटिक वाले हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब अपना फूड खुद बनाने वाले हैं, और जो आपके एक्वेटिक होते हैं वो हैं, तो उनमें क्या क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स होंगे. मतलब यूकैरियोट्स में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे थे यूकैरियोटिक सेल्स में, जो हम डिस्कस कर चुके थे पहले, जैसे कि आपका क्या क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ये सब पाए जाएंगे. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे प्रोटिस्टा में, उनमें यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज एंड प्लास्टिड्स, ये सब वगैरह वगैरह पाए जाएंगे. देखिए, तो फिर जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें ये सब पाए जाते हैं. ठीक है, और सेकेंड था आपका, सम प्रोटिस्ट हैव हेयर लाइक सीलिया, विप लाइक फ्लैजिला फॉर देयर मूवमेंट. मतलब कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनमें सीलिया पाया जाएगा. सीलिया मतलब आप समझते हैं क्लास, सीलिया देखिए कैसा होता है. जैसे ये देखिए, ये पैरामीशियम है जो प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जीव जंतु हैं. इनकी बॉडी पे देखिए बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी में, इसको कहते हैं सीलिया. ठीक है, और फ्लैजिला किसको कहेंगे आप, फ्लैजिला इसको कहेंगे. ये देखिए फ्लैजिला, ठीक है, ये फ्लैजिला है, टेल लाइक स्ट्रक्चर. तो ये आपके किस लिए प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, ये विप लाइक फ्लैजिला होता है. जैसे ये मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्पफुल होते हैं. न्यूट्रिशंस में भी फोटोसिंथेटिक, होलोट्रॉफिक, एनिमल लाइक, सेफ्रोट्राइफिक, सेफ्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. मतलब इनमें न्यूट्रिशन, भोजन किस तरीके का हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना भोजन बना सकते हैं. होलोट्रॉफिक हो सकते हैं, होलोट्रॉफिक मतलब हार्ड फूड को जैसे इंजेस्ट डाइजेस्ट होता है, इंजेस्ट डाइजेशन होता है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग में, वैसे हो सकता है. सेफ्रोफाइटिक मतलब सड़ी गली जगह पर, मतलब सड़ी गली चीज़ों को भी खा सकते हैं. और आपका दूसरा है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब दूसरों जीव जंतुओं के शरीर में रहकर उनका नरिशमेंट भी ले सकते हैं. देखिए, नेक्स्ट है क्लास, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जो पैरासाइट्स की जीव ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फ्लोटिंग एंड ये तैरते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं समुद्र के आईने. समुद्र में रहने वाले होते हैं और कैसे होते हैं, फ्लोटिंग लाइक फोटोसिंथेटिक मतलब करते हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेवरल देम हैव फ्लैजिला. मतलब कुछ ऐसे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है. और ज़्यादातर कैसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में. दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओशियंस. इनको चीफ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है ओशियंस का, मतलब ये समुद्र में रहकर खुद भोजन बनाते हैं, इसीलिए जिनको प्रोड्यूसर कहा जाता है. प्रोड्यूसर वही होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं क्लास, ठीक है, इसीलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन भी कहा जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है, सम प्रोटिस्ट आर प्रीडेटरी, एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स. प्रीडेटरी मतलब होता है आत्मरक्षा करते हैं, जो अपनी खुद की रक्षा खुद करते हैं उनको प्रीडेटरी कहा जाता है. तो कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं, जैसे एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स. दीज डू नॉट हैव सेल वॉल. इनमें सेल वॉल नहीं होती है एंड शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इनजेस्ट फूड. ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है क्लास जिसमें हार्ड फूड खाता है कोई इंसान, जैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म हार्ड फूड खाते हैं उनको आप होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. इनजेस्ट फूड मतलब ये इनजेस्ट कर लेते हैं फूड को, हार्ड फूड को भी, तो ये होते हैं आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो प्रोटोजोन्स होते हैं. देखिए क्लास, दूसरा है, सम प्रोटोजोन्स लिव एज अ पैरासाइट्स. कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पैरासाइट्स की तरह वर्क करते हैं अदर एनिमल्स में.
पैरासाइट्स मतलब उनकी बॉडी में रहकर उनका उनके शरीर में रहकर उनका खाने को खाते हैं और उनसे ही सारा न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल चलती है आपके अंदर जब मलेरिया हो जाता है आपको, तो मलेरिया एक मच्छर से काटने से होता है, ठीक है, जिसको आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो ये भी एक तरीके का पैरासाइट्स है, जो मॉस्किटो है मलेरिया का, वो भी एक तरीके का पैरासाइट है, मतलब आपकी बॉडी में आ रहा है, आपकी बॉडी से मतलब जो नरिशमेंट है उसको ले रहा है और अपने कुछ तत्वों को छोड़ जा रहा है, जिससे मलेरिया आपको हो जा रहा है, ठीक है। तो सम प्रोटोजोन फ्लेवर्स पैरासाइट, कुछ प्रोटोजोन पैरासाइट्स की तरह रहते हैं अदर एनिमल्स की बॉडी से, एंड सम डिकम्पोज मतलब कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिक मैटर, कुछ डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मतलब खाद फूद, जैसे खाद वाद होती है उसमें। सेलुलोज इन द गट अब गट अप टर्माइट्स, उनके गट में मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनके गट में हो जाता है, मतलब गट में आ जाता है टर्माइट्स, ठीक है। तो देखिए द प्रोटिस्टेंट्स आर प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स फ्रॉम विच अदर्स यूकैरियोट्स हैव इवॉल्व्ड, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट मोनेरास एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर किंगडम्स फंजाई प्लांटी। ये सब समझाया गया आपको कि कैसे कैसे मोनेरा में आपने पढ़ा और अब आप प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा में जैसे यूकैरियोट्स के बारे में आपने पढ़ा और मोनेरा में आपने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था। मोनेरा में प्रोकैरियोट के बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि उनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोटिस्टा में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है इसलिए यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा में आपने प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ा था, इनका कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर किंगडम्स, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर किंगडम्स हैं ऑफ फंजाई प्लांटी जो एनिमल या जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है क्लास। तो ये सब थे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोटिस्टा के। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।